नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने जारी की नई रैंकिंग। राजस्व संबंधित कार्यों के निष्पादन में बांका अव्वल, शेखपुरा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रहा सिवान। बिहार में बाढ़ से व्यापक नुकसान, आकलन के लिए सरकार ने मांगी रिपोर्ट। रिपोर्ट केंद्रीय टीम के समक्ष किया जाएगा पेश। शिक्षकों को हर साल दो बार मिलेगा प्रशिक्षण। शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। शिक्षकों के लिए अनिवार्य आवासीय प्रशिक्षण। महिला हॉकी चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर तक आयोजित। 14 अक्टूबर से बिहार सहित 5 राज्यों में ट्रॉफी टूर। 5 अक्टूबर को पटना में ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम। बिहार में पछुआ हवा का प्रवेश, रात में बढ़ेगी ठंड। दीपावली और छठ पर्व पर ठंड की शुरुआत की उम्मीद। रात के तापमान में गिरावट, दिन में बढ़ोतरी। एलपीजी गैस सिलेंडर की जांच एक्सपायरी डेट वाली सिलेंडर को नहीं खरीदे। जाने क्या है चेक करने का सही तरीका। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला से बाहर। शाहीन अफरीदी और नसीम साबी टीम से बाहर। चयन समिति ने नए खिलाड़ियों को दिया मौका। खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रेंटिस के पद पर कुल 600 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तारीख है 24 अक्टूबर 2024। इसके लिए जरूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट किया हो। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने राज्य की स्थानीय भाषा की समझ होनी चाहिए। आपकी आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या इसके आधिकारिक अधिसूचना को देख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सितंबर माह की पहली बार जारी की गई रैंकिंग में बांका जिले को राजस्व संबंधित कार्यों के निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। इस रैंकिंग में शेखपुरा दूसरे, सिवान तीसरे, औरंगाबाद चौथे तथा नालंदा पांचवें स्थान पर है। वही पटना 34वें और अररिया ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। विभाग के सचिव विजय कुमार सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सभी जिला पदाधिकारियों को राजस्व कामों में अधिक रुचि लेने और त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना है। अब हर महीने इस रैंकिंग को अपडेट किया जाएगा, जिससे सभी जिलों की प्रगति को समझा जा सकेगा। बिहार में बाढ़ के कारण हुए व्यापक नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट प्रभावित जिलों में सड़क, फसल, घर और जान माल के नुकसान का विवरण पेश करेगी। जल्द ही एक प्रेजेंटेशन केंद्रीय टीम के समक्ष रखा जाएगा। जो बिहार का दौरा करने वाली है, पथ निर्माण विभाग ने सीमांचल और भागलपुर जिलों में सबसे अधिक क्षति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जहां सड़कें कट गई हैं और पुलों के अप्रोच पथ बह गए हैं। कृषि विभाग ने 30 से अधिक जिलों में फसल नुकसान का आकलन किया है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक चरण के नुकसान के लिए 229 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। बिहारी पहचान में आज बात करेंगे बिहार की शान टीवी की जानी मानी अभिनेत्री श्रीति झा की। श्रीति झा का जन्म 26 फरवरी 1986 को बिहार के बेगूसराय में हुआ। अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने 2006 में धारावाहिक धूम मचाओ धूम से की, जहां उन्होंने मालिनी शर्मा का किरदार निभाया। इस शो के बाद श्रीति ने जियो जले में भी दर्शकों का दिल जीता और फिर उन्होंने एक के बाद एक कई चर्चित सीरियल्स में काम किया। लेकिन श्रीति को असली पहचान मिली टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा के रूप में। इस किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब सभी शिक्षकों को हर वर्ष दो बार आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा, जिससे उनकी शिक्षण क्षमता में सुधार होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि दिसंबर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के बाद जनवरी फरवरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यह केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अलावा प्रारंभिक विद्यालयों में 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान होगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाना है।
आज बताएंगे एलपीजी सिलेंडर की एक्सपायरी डेट करने का तरीका। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर पर एक कोड होता है जिसमें अंग्रेजी के लेटर में ए बी सी डी और उसके साथ एक संख्या होती है। ए का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब अप्रैल मई जून, सी का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर, डी के साथ कोई अंक है तो इसका मतलब अक्टूबर नवम्बर दिसंबर तक उसका एक्सपायरी डेट है। उदाहरण के लिए अगर आपके सिलेंडर पर लिखा है बी 23 तो इसका मतलब है कि वह सिलेंडर अप्रैल से जून 2023 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप डी 25 देखते हैं तो इसका मतलब है कि वह सिलेंडर अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक वैध है। तो इस तरह सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जांच करें, सील चेक करें, वजन जांचें और किसी भी समस्या पर एजेंसी से संपर्क करें। नालंदा जिले के खेल अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय राजगीर में पहली बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाएगा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ट्रॉफी टूर की शुरुआत के लिए हरी झंडी दिखाई। ये ट्रॉफी बिहार सहित 5 राज्यों में 29 दिनों तक घूमेगी और 19 अक्टूबर को वापस बिहार लौटेगी। महिला हॉकी चैंपियनशिप 11 से 20 नवंबर तक होगी। 15 अक्टूबर को पटना में ट्रॉफी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। मुजफ्फरपुर में बीते दिनों सेना का एक हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री पहुंचाते समय तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कर गया था। ये घटना 2 अक्टूबर की है जब हेलीकॉप्टर ने औराई प्रखंड के घनश्यामपुर पंचायत के मधुवन बेसी गांव के निकट लैंडिंग की थी। लैंडिंग के बाद हेलीकॉप्टर पानी में फंस गया था। अब जलस्तर कम होने के बाद सेना के जवान उसे निकालने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराने को लेकर अलर्ट है। अब देखना होगा कि सेना के जवान उस हेलीकॉप्टर को कब तक वहाँ से निकाल पाते हैं। बिहार पर्यटन में आज बात होगी सासाराम की। बता दें सासाराम बिहार का एक जिला है। इसका मुख्यालय रोहतास है। ये शहर अपनी प्राचीन इमारत और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं जैसे शेर शाह का मकबरा, मंझार कुंड और धुआ कुंड, माँ तारा चंडी मंदिर, टॉन्स झरना, रोहतास गढ़ किला। तो अगर आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो सासाराम भी घूमने जा सकते हैं। अगर आप भी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द या आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं तो आपको भारी पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ऐसे शब्द लिखना गैरकानूनी है। इस अधिनियम का पालन नहीं करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। हाल ही में 2023 में आए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर धर्म या जाति से जुड़ा कोई भी शब्द लिखा है तो आपको ₹5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले इस तरह के शब्दों के लिए जुर्माना ₹1,000 तक था लेकिन अब ये दोगुना हो चुका है। इसलिए अगर आप भी अपनी गाड़ी पर ऐसे शब्द के साथ चलते हैं तो आज से सावधान हो जाएं। बीते दिन समस्तीपुर जिले के पतैली दुर्गा स्थान मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन धूमधाम से किया गया है। इस अवसर पर हजारों भक्तों ने परंपरागत तरीके से माता की प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाकर और नाचते हुए लगभग 1 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला जो जमुआरी नदी के तट पर समाप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता के दरबार में आने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते। यही कारण है कि यहाँ हर साल कई जिलों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस परंपरा के अनुसार नवरात्रि के दौरान यदि किसी कारणवश माता के दर्शन नहीं हो पाए तो इस नाच को देखकर उनके सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। अगर आप भी गीत संगीत में रुचि रखते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। बता दें कि बिहार के लखीसराय में इस बार 25 और 26 अक्टूबर को एक विशेष युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा महोत्सव में 15 से 29 साल के कलाकार भाग ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। जिला खेल पदाधिकारी और कला एवं संस्कृति पदाधिकारी मृणाल रंजन ने बताया कि महोत्सव युवा प्रतिभाओं के लिए एक बेहतरीन मंच साबित होगा। इच्छुक कलाकार डाक या व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और इस महोत्सव में भाग ले सकते हैं। अगर कोई आपके WhatsApp पर भेजा गया मैसेज आपके बिना पढ़े हुए डिलीट कर लेता है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाएं और नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर टैप करें और यूज नोटिफिकेशन हिस्ट्री के सामने वाले टॉगल को ऑन कर दें। इसके बाद WhatsApp नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। अब यदि कोई आपको WhatsApp पर मैसेज भेजकर डिलीट करता है तो आप उसे नोटिफिकेशन हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं।
ध्यान रहे ये तरीका केवल टेक्स्ट मैसेज के लिए है, ऑडियो वीडियो या फोटो को एक्सेस नहीं किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने जानकारी दी है कि आने वाले 2 से 3 सप्ताह में प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवेश होने जा रहा है। इसके चलते रात को हल्की ठंड का अनुभव बढ़ने लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि दिन में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उमस का सामना भी करना पड़ सकता है। दीपावली और छठ महापर्व के आसपास ठंड की शुरुआत होने की संभावना है। बिहार के सभी जिलों में मौजूदा समय में कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं हो रही है, जिसके कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में काफी सारी कंफ्यूजन है कि 16 या 17 कब मनाया जाएगा शरद पूर्णिमा। तो बता दें कि इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 8:40 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:55 तक रहेगी। चंद्र उदय 16 अक्टूबर को शाम 5:05 पर होगा। बता दें कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रहता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य का आगमन होता है। गया से मुंबई जाने के लिए एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। पहले जहां यात्रियों के लिए केवल हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस ही उपलब्ध थी, अब यात्रियों को एक और विकल्प मिल गया है। इस नई ट्रेन गया लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हर बुधवार को गया से रवाना होगी। ये ट्रेन हजारीबाग टाउन, कोडरमा, रांची, राउरकेला, बिलासपुर और नागपुर होते हुए मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कोचिंग संजीव आर नीलम ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करें ट्रेन की समय सारणी की, तो ट्रेन संख्या 22358 गया लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस हर बुधवार को रात 7:10 पर गया से रवाना होगी और शुक्रवार की सुबह 5:50 पर मुंबई पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 22357 लोकमान्य तिलक गया एक्सप्रेस शुक्रवार को 1:15 पर रवाना होगी और शनिवार की रात 10:50 पर गया पहुंचेगी। गया जिले के अत्री विधानसभा क्षेत्र में लोजपा रामविलास के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें कि शनिवार रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मूर्ति के दोनों हाथ तोड़ दिया और चेहरे को भी नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के बाद लोजपा रामविलास के नेताओं में आक्रोश फैल गया है। पार्टी के सदस्यों ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है और निमचक बथानी में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जिला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। एसएसपी आशीष भारती ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ रही है, कई लोग अपनी एसी का उपयोग बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी को बंद करने से पहले कुछ काम करना बेहद जरूरी है। कूलिंग कॉइल को साफ रखें, क्योंकि गंदगी से कूलिंग क्षमता कम हो सकती है। बाहरी यूनिट में जमा धूल और गंदगी का नियमित निरीक्षण करें। कूलेंट गैस की कमी या लीक होने पर भी कूलिंग प्रभावित होती है, इसलिए इसकी भी जाँच करें। नियमित सर्विसिंग से तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर लंबे समय तक एसी का उपयोग आपको नहीं करना है तो उसे कवर से ढक दें ताकि धूल और पानी जमा नहीं हो पाए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 8 अक्टूबर से बिहार में शुरू होने जा रही है। वही विपक्ष इस यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। इस यात्रा को उन्माद यात्रा कहते हुए गिरिराज सिंह पर हमला बोला जा रहा है। इस पर बीते दिन पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष को उनकी यात्रा से पेट में दर्द हो रहा है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि विपक्ष केवल वोट बैंक के लिए यात्रा करता है, जबकि उनकी यात्रा का उद्देश्य धार्मिक एकता फैलाना है। बीते दिनों रावण दहन कार्यक्रम के दौरान झुलसे सांसद पप्पू यादव ने बताया कि अब वे बेहतर महसूस कर रहे हैं और खुर्दा स्थित अपने घर पर बेड रेस्ट कर रहे हैं। बता दें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने विजयदशमी पर रावण दहन करने के लिए जिस पटाखे में आग लगाई थी वे बैक फायर कर गया। पॉकेट में से तेज चिंगारियां निकलकर उनकी दाई आंख के पास आकर लग गई। गनीमत थी कि उनकी आंख बच गई। हालांकि पटाखा के बारूद और आग के कारण दाई आंख में जलन काफी ज्यादा थी। अब इलाज के बाद वे बेहतर महसूस कर रहे हैं।
भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने बिहार में दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। बीते दिन मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि पिछले दो महीनों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है, जिससे स्पष्ट होता है कि समाज में बदलाव की जरूरत हो गई है। कुणाल ने बदलो बिहार न्याय यात्रा की घोषणा की है, जो 16 अक्टूबर से 5 विभिन्न रूटों पर शुरू होगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा सामंती हिंसा के खिलाफ एक व्यापक अभियान का हिस्सा है। पूर्व कप्तान बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया है। मुल्तान में पहले टेस्ट में पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद यह निर्णय लिया गया। चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को लाहौर में हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। बाबर के अलावा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी टीम से बाहर किया गया है। चयन समिति के सदस्य आकिब जावेद ने कहा कि वर्तमान खिलाड़ियों की फॉर्म और आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इन खिलाड़ियों के बदले टीम में हसीबुल्ला, मेहरान, मुमताज, कामरान गुलाम को टीम में जगह मिली है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1882 में शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आज के दिन सन 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया था। आज के दिन 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 385,000 अनुयायियों के साथ कोचंदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज ही के दिन 2008 में RBI ने म्यूचुअल फंड्स की जरूरतें पूरी करने के लिए अतिरिक्त 200 अरब रुपए जारी करने की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 2010 में राजधानी दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ था। और आज ही के दिन 1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन हो गया था। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि रेलवे के नए नियम के अनुसार अब वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। बता दें, ये दावा भ्रामक है, इस अफवाह पर विश्वास नहीं कीजिए। ये नियम पहले से भारतीय रेल में लागू है। रेलवे के 2010 के सर्कुलर के अनुसार आरक्षित कोच में केवल कन्फर्म और आंशिक रूप से कन्फर्म सीट वाले व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग लिस्ट वाले पैसेंजर का टिकट ई टिकट के केस में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। यात्री काउंटर वेटलिस्ट टिकट लेकर सामान्य कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। आरक्षित कोच में यात्रा नहीं की जा सकती। इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। समय समय पर भारतीय रेलवे द्वारा ऐसे अभियान चलाया जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी खबर को भ्रामक बताया है। पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को व्यवसायिक अनुभव प्राप्त होगा ही, इसके साथ ही उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12 महीने की इंटर्नशिप के दौरान युवा देश के प्रमुख कंपनियों में काम करने का अनुभव हासिल करेंगे, जो उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसरों में मदद करेगा। पहले बैच की शुरुआत 2 दिसंबर 2024 को होगी। अगर आपकी उम्र 21 से 24 वर्ष है तो आप पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, 10 अक्टूबर। हाल ही में रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, बिहार। हाल ही में डीजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है उमंग ऐप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा उमंग ऐप। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का कौन सा जिला है? ऑप्शन ए है अरवल, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर होगा अरवल। बिहार में कहां सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई, जो देश का 12वां है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर होगा पटना।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुनर शर्मा, राकेश शाह, खुशी शर्मा, आलोक प्रियदर्शी, संजीव कुमार, छोटू रजा, राम बाबू दास, विनय राज, एम के सिंह, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, सुकांत शंकर, रूपा कुमारी, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार सिंह, अभिषेक विराट, अनिल कुमार, मुन्ना प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, अगर आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले तो आप क्या सीखना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।